से रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। जन अधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने लालू यादव परिवार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। जाप सुप्रीमो ने कहा कि लालू यादव को उनका ही परिवार जो है वो मानना चाहता है, और इसी को लेकर के जब राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से सवाल पूछा गया तो वो भड़क गए। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आप लोगों की यही आदत जो है वो खराब है, सीरियस मैटर्स पर जब बात होती है तो आप लोग हल्के सवाल पर आ जाते हैं। वहीं हाल ही में जो जारी नीति आयोग की रिपोर्ट है उसके बारे में बिहार को फिसड्डी बताया गया है। इसको लेकर के राजद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार को सबसे निचले पायदान पर पहुंचाने वाले नीतीश कुमार ने राज्य को झारखंड से भी नीचे पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी एक क्षेत्र बता दें, हर क्षेत्र में चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में बिहार जो है वो पिछड़ा हुआ है। सो नीतीश जी को जनता जो है वो हिसाब मांगती है और हिसाब देना होगा। आप जवाब देने से बच नहीं सकते हो। 12 करोड़ की जनता को जवाब चाहिए, नहीं तो डबल इंजन की जो सरकार है वो डबल खतरे में पड़ जाएगी। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबियत बिगड़ने के बाद उनको दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। शनिवार को राबड़ी देवी भी लालू यादव का हाल जानने के लिए पटना से दिल्ली निकल गई। और इस बीच जन अधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने लालू यादव परिवार पर गंभीर आरोप लगा दिए। जाप सुप्रीमो ने कहा कि लालू यादव को उनका परिवार जो है वो मारना चाहता है। जी हाँ, जाप सुप्रीमो ने लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका परिवार पागल हो गया है, लालू यादव को शहीद करना चाहता है, लालू यादव का इलाज करवाना चाहिए। लालू जी सही में बीमार है, परिवार उसको इधर से उधर कर रहा है। उन्होंने कहा कि लालू का फेस इस्तेमाल करके वोट के लिए चुनाव में ले जाते हैं। तो फिलहाल इतना ही, नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।